तो देखिए जितने भी स्टूडेंट हैं आज की वीडियो सभी के लिए है। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके कमेंट्स आए, सर मैं एग्ज़ाम में चीटिंग कर रहा था। यस, स्टूडेंट ने खुद कमेंट करके बताया। कई सारे पर्सनल डीएम से आए, हेल्प डेस्क पर मैसेज किए गए हमारे टीम्स को कि सर मैं चीटिंग कर रहा था या मैं चीटिंग कर रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, यहाँ गर्ल्स भी बहुत थी जिन्होंने अपना जो भी इंसिडेंट उनके साथ हुआ वो हमें शेयर किया। सर चीटिंग करते हुए मेरा पेपर छीन लिया गया और मैं मोबाइल से चीटिंग कर रहा था, मैं कुछ ऐसा चीज़ से चीटिंग कर रहा था, मेरे पास कुछ पेज था मैं उससे चीटिंग कर रहा था। देन ये सब होके मेरा पेपर छीन लिया गया और छीनने के बाद मुझे घर भेज दिया गया। ज़्यादातर सेंटर्स पे ये हुआ, बट ज़्यादा सेंटर्स में हुआ ये कि उनको पेपर छीनने के बाद उनसे मतलब जो भी उनका डॉक्यूमेंटेशन करवाया गया, साइन वाइन करवाए गए, उनके एडमिट कार्ड की फ़ोटो ली गई, देन उसके बाद उनको घर भेज दिया गया। सर ऐसी कंडीशन में सर मेरे साथ क्या होगा, प्लीज़ आप मुझे इसको लेकर कुछ अपडेट दीजिए। तो देखिए पहली चीज़, चीटिंग का हम सपोर्ट नहीं करते, ये चीज़ को मैं बार बार कह रहा हूँ, चीटिंग का हम कभी सपोर्ट नहीं करते क्योंकि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप एक सेंटर पर जा रहे हो, वहाँ सेंटर के रूल्स चल रहे हैं, आपके रूल्स नहीं चल रहे। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि एक शॉर्टकट है, क्यों ना चीटिंग करके हम पास हो सकते हैं, क्योंकि वो ये देखते हैं कि हम पहले दिन आए यहाँ तो इतनी चेकिंग नहीं हो रही, तो हम दूसरे दिन हम ऐसा कुछ मटेरियल या कुछ ऐसा ला सकते हैं जिससे हम अपना पेपर कर सकते हैं। इसके अलावा चीटिंग करने की दूसरी वजह ये है कि एग्ज़ाम काफ़ी जल्दी कराए गए क्योंकि एडमिशन लेट हुआ था और एग्ज़ाम काफ़ी जल्दी हो रहे हैं, टाइम से स्टडी मटेरियल नहीं मिला, क्लासेस प्रॉपर स्टूडेंट को नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से स्टूडेंट कहीं ना कहीं चीटिंग करने के लिए मुझे लगता है कि विवश हो गया। बट हुआ ये काफ़ी सेंटर्स पे जो हमें स्टूडेंट के द्वारा बताया गया कि सर हम चीटिंग करते हुए पकड़े गए, हमारी आंसर शीट ले ली गई, अब होगा क्या। तो मैं आप सभी को बता दूं, अगर आंसर शीट आपकी छीन ली गई है, पहली चीज़, अगर आपकी आंसर शीट ले ली गई है ऐसी कंडीशन में उस पेपर में आपके UFM लगा दी गई है, मतलब कि वो पेपर आपका कैंसल कर दिया गया है, यानी कि वो पेपर आपको दोबारा से देना पड़ेगा, ठीक है। सर क्या मेरे सारे पेपर कैंसिल हो जाएंगे? जी नहीं, जिस पेपर में आप कुछ ऐसी गतिविधि करते हुए पकड़े गए हो जो रूल्स को ब्रेक करती है, जो एग्ज़ाम रूल को ब्रेक करती है, ऐसी कंडीशन में वो पेपर आपका री में जाएगा, यानी उस पेपर में आप अपनी बैक समझिए, अपसेंट समझिए। इसके अलावा जिनके साथ कागज़ वगैरह मतलब साइन वगैरह करवाए गए हैं, जो भी आपके साथ हुआ है, ऐसी कंडीशन में आपके घर पर 15 से 20 दिन के अंदर एक बाय पोस्ट या आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर एक नोटिस भेज दिया जाएगा जिसमें बोला जाएगा कि आप इस सेंटर पर इस दिन ए पेपर पे चीटिंग करते हुए आप पकड़े गए और जो कॉलेज के जो सुपरिंटेंडेंट है उन्होंने आपकी कंप्लेंट हमें की और जिसकी वजह से ये पेपर आपका कैंसिल किया जाता है, यानी कि वो पेपर आपका बेकार हो गया, ठीक है। तो यानी ये गलती किसकी है? ये गलती आपकी है। अब आपको वो पेपर दोबारा देना होगा। कब देना होगा? ये पेपर आपका थर्ड सेमेस्टर के साथ होगा। इसके अलावा एक सबसे बड़ी जो मिस्टेक स्टूडेंट ने करके आए वो ये कि एग्ज़ाम रोल की रोल नंबर की जगह सोल का रोल नंबर लिख कर आए आंसर शीट पर। अब मैं तो नहीं कहूँगा होगा क्या, बट ज़्यादातर केसेस में देखा गया है क्योंकि एडमिट कार्ड की गाइडलाइन साफ ये कहती है कि आप जब भी कोई डिटेल भर रहे हो तो उसको ध्यान से पढ़िए, अगर कुछ भी मिसमैच होता है ऐसी कंडीशन में आपकी जो आंसर शीट है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो नुल भी हो सकता है, यानी अबसेंट आपके रिजल्ट में शो हो सकती है। वो तो रिजल्ट बताएगा आपने कोई ऐसी गलती की है, क्योंकि कई स्टूडेंट बता रहे थे। इसके अलावा एक सबसे बड़ी जो गलती की गई स्टूडेंट के द्वारा कि काफ़ी स्टूडेंट अपने क्वेश्चन छोड़ कर आए, जो कि मैं बार बार कहता हूँ आपको क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आना है। मैंने ये पहले भी बोला था क्योंकि एक तो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो जहाँ ग्रेजुएशन में मार्क्स लाना काफ़ी हार्ड होता है, ये आपका स्कूल नहीं है। जब आप 4 से 5 पेज लिखते हो तब जाके आपको कहीं ना कहीं अगर 10 नंबर का आपका पेपर है, मतलब 10 नंबर का अगर आपका क्वेश्चन है, तो अगर आप 3 से 4 पेज या 5 पेज लिख रहे हो तब जाके उसमें 4 से 5 नंबर आपको दिए जाते हैं, 6 नंबर, ये नहीं है 10 में 10 मिल जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ 40% आपको अचीव करना है और आप क्वेश्चन छोड़कर आ रहे हो, ऐसी कंडीशन में आपके जो फेल होने के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे, यानी उन पेपर में आपकी बैक आने की जो चांसेस है वो बढ़ जाती है।
तो क्वेश्चन छोड़कर आप आए हो, ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स है। मैं तो यही कहूँगा कि स्टार्टिंग के जो पेपर आप करते हो, क्वेश्चन करते हो, वो 3 से 4 पेजेस में करो, जब आपको लगता है कि टाइमिंग लिमिटेड है। ऐसी कंडीशन में आपके जो लास्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको 1 से 2 पेजेस में निपटाइए, बट करके सारा आइए, ठीक है। अब बाकी तो अब रिजल्ट ही बताएगा। इसके अलावा एक जो मिस्टेक्स की गई है, मुझे नहीं पता ये सेंटर की गलती है या स्टूडेंट की है, बट जितना मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एक पेपर था वैल्यू एडिशन कोर्स का, वो कई सेंटर्स पे, इन्फॉर्मेशन की कमी हो सकती है, सेंटर्स पे कई स्टूडेंट से वो पेपर 1 घंटे करवाया गया, यानी 30 मिनट करवाया गया, और कई सेंटर से वो पेपर दोनों पार्ट करवाए गए। अब मुझे ये पता नहीं चल रहा है, अभी तक मुझे पता नहीं चला है कि कुछ स्टूडेंट से वो उन पेपर पे 2 घंटे से 2.5 घंटे दिए गए, और कुछ सेंटर्स पे उन्हें 1 ही घंटे में उनसे पेपर ले लिया गया। अब उस पेपर का क्या होगा मैं तो कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि वो एडिशनल पेपर सब्जेक्ट है, बाकी वो तो रिजल्ट ही बताएगा। अब सेंटर्स को जो भी पीछे से आदेश आते हैं उसी के अकॉर्डिंग सेंटर चलता है, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने खुद बताया कि सर मैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो एग्ज़ाम था, जो वैल्यू एडिशन कोर्स का कोई भी एक सब्जेक्ट था, उसमें 2 पार्ट आ रहे थे, बट सेंटर में हमें ये बोला गया कि आपको 1 ही पार्ट करना है, बट ज़्यादा सेंटर्स में बोला गया कि आपको 2 पार्ट करने हैं। तो ये तो रिजल्ट ही बताएगा। अब जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हम आपसे आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। और बाकी एक चीज़ और, जो जो मिस्टेक्स आपने की है, चाहे आपके पास मोबाइल पकड़ा गया हो या आप चीटिंग करते हो पकड़े गए, पहली चीज़ जो चीटिंग कर भी रहा होगा जो नहीं पकड़ा गया, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोल रहे थे कि सर हमारे सेंटर पे चीटिंग हो रही थी बट हम नहीं पकड़े गए, सारे स्टूडेंट चीटिंग कर रहे थे, ये था वो था ये था। तो मैं तो एक चीज़ यही कहूँगा कि चीटिंग आपको नहीं करनी चाहिए, बट अगर आप पकड़े गए हो इसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार हो, क्योंकि पेपर आपका वो कैंसिल कर दिया जाता है जब भी आप चीटिंग करते हो, पकड़े जाते हो। इसका मतलब है उस पेपर में आपकी आएगी या तो ER आएगी या एब्सेंट आएगी या UFM आपकी लगेगी, ठीक है। और बाकी जिन्होंने डिटेल गलत भरी है या जो पेपर मिस कर गए, ये सारे एग्ज़ाम आपके 3rd semester में यानी 2nd year में आपके कंडक्ट होंगे, जब भी होंगे हम आपको अपडेट कर देंगे। फिलहाल जो मिस्टेक्स स्टूडेंट के द्वारा की गई वो हमने आपके साथ शेयर की, तो आने वाले टाइम पे भी अब तो आपको आदत पड़ गई क्या क्या नहीं करना चाहिए। मैं तो बार बार कह रहा था, मोस्टली मैं तो ये कहूँगा जो गर्ल्स स्टूडेंट है मोस्टली उन्होंने सबसे ज़्यादा चीटिंग की है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कमेंट्स के अकॉर्डिंग, हमारे जो ग्रुप के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा मैसेज हमें मिले वो गर्ल्स के मिले हैं, जिसमें गर्ल्स ने खुद बोला जो स्टूडेंट है कि सर मैं चीटिंग कर रही थी, मुझे ऐसे पकड़ लिया गया, सर मैंने मतलब मैं तो कुछ ऐसा लेके भी नहीं गई थी तब भी मुझे पकड़ लिया गया। पहली चीज़, कोई भी टीचर आपका करियर ख़राब करना नहीं चाहता है, बट आप अगर रूल ब्रेक करोगे तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। तो जिनका भी ऐसा कुछ हुआ है, जिन्होंने भी मिस्टेक्स ऐसी की हैं, तो आने वाले टाइम पे इन्हें अवॉइड करना, बाकी आप सीख जाओगे इससे। एक बार तो चोट लगती है फिर तो आपको सबक मिल ही जाएगा, बाकी चीटिंग मत करना, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम में चीटिंग सबसे बड़ा एक तरीके से मान लीजिए सबसे बड़ा क्राइम है, क्योंकि आप रूल्स ब्रेक कर रहे हो। वो तो अच्छी बात है कि ये तो एक सेंटर का एग्ज़ाम हो रहा है, ये तो एक कॉलेज का एग्ज़ाम है, वरना अगर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता ना, मैं अगर ऐसा कुछ करते ना तो सोच ही सकते हो, ठीक है। तो बाकी जिनके साथ हो गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करो, और जिनके आप पेपर ऐसे छीन लिया गया है आपको वो पेपर दोबारा से देना पड़ेगा। और जो भी मिस्टेक्स आपके साथ हुई है या सेंटर्स के साथ मिसबिहेव आपके साथ हुआ है, तो वो तो अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि एग्ज़ाम हो चुका है। बाकी आने वाले टाइम पे जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, इन चीज़ों को आपको ध्यान से इनको मैनेज करना है, और ये जो चीज़ें आपसे हो रही है, जो गलती आपसे इस बार हुई है क्योंकि आप नए स्टूडेंट हो, इनको अवॉइड करना है, क्योंकि पहले के जो बैच है वो सारे ऑनलाइन एग्ज़ाम से पास हुए हैं।